हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर एक और बचेगा और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 88, मेवाड़ का कौन सा किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहा जाता है? मेवाड़ का कौन सा किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहा जाता है? तो वह है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो यह है मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रेणी की गोद में स्थित है। कुंभलगढ़ की किला किसके द्वारा व कब बनवाया गया? कुंभलगढ़ का किला किसके द्वारा और कब बनवाया गया? यह राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 91, बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या के बाद महाराणा उदय सिंह को बाल्यकाल में किस किले में शरण मिली थी? तो देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर चुके हैं, कुंभलगढ़ किला। नेक्स्ट देखिए 92, कुंभलगढ़ की दीवार कितने क्षेत्र में फैली हुई है? कुंभलगढ़ की दीवार कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो यह लगभग 36 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह एक साथ 8 घुड़सवारों के चलने हेतु पर्याप्त चौड़ी और मजबूत भी है। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं, उसकी वजह ये है, मुझे पता है ये सब रिपीट है क्योंकि हम 6 से 10 तक की हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, वहां हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है, और याद भी कर लिया था। लेकिन कई बच्चे ये बोलने लग जाते कि आपने चैप्टर जो है वो हर एक लाइन जो है वो क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में नहीं दी, इस वजह से हर क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसीलिए वीडियो जो है वो काफी आए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है आप लोगों के लिए ही। राजसमंद झील का आकार कितना है? राजसमंद झील का आकार कितना है? यह आकार देखिए, झील की परिधि 22.5 किलोमीटर, गहराई 30 फीट, जल ग्रहण क्षेत्र 524 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, विश्व युद्ध के दौरान किसने राजसमंद झील को 6 वर्षों तक समुद्री विमान आधार पर उपयोग किया था? विश्व युद्ध के दौरान किसने राजसमंद झील को 6 वर्षों तक समुद्री विमान आधार पर उपयोग किया था? तो वह है इंपीरियल एयरवेज। हल्दी घाटी कहाँ है? तो हल्दी घाटी का युद्ध सभी जानते हैं, तो यह कहाँ है? राजसमंद में, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रेणी में ही हल्दी घाटी स्थित है। हल्दी घाटी किसके मध्य युद्ध के लिए विख्यात है? बहुत ही आसान है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, जो चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसकी समाधि जो है वह 1576 ईस्वी में निर्मित की गई थी। कहाँ? हल्दी घाटी में। रणथंभौर का किला किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो क्वेश्चन था चेतक वाला, तो आप लोगों को याद भी है कि बलीचा नामक स्थान पर है, और यदि हल्दी घाटी ऑप्शन में आता है तो आप हल्दी घाटी भी करेंगे। रणथंभौर का किला किस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रणथंभौर का किला किस राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 100 क्वेश्चन है, रणथंभौर किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रणथंभौर किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ आंसर है रणथंभन देव द्वारा, ठीक है। रणथंभौर किले का निर्माण रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था 10वीं से 11वीं शताब्दी में चौहान शासक के द्वारा। प्रसिद्ध महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में घायल होने पर किस जगह ले जाया गया था? प्रसिद्ध महाराणा सांगा के खानवा के युद्ध में घायल होने पर किस जगह ले जाया गया था? तो रणथंभौर के किले में ले जाया गया था। नेक्स्ट देखिए 102 है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी से बचने के लिए रणथंभौर में राजघराने की महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था? तो वह किस मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा यह हुआ था?
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है अरावली पर्वत श्रृंखला का? यह गुरु शिखर है। ठीक है, सबसे उच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचा है। गुरु शिखर में चढ़ने से पूर्व कौन सा मंदिर दिखाई देता है? गुरु शिखर में चढ़ने से पहले कौन सा मंदिर दिखाई देता है? यह भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जो कि ऋषि आत्रेय और अनसुईया के पुत्र का। सिरोही में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म विशेष से संबंधित है? तो दिलवाड़ा में कौन सा मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। नेक्स्ट देखिए 106, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस समय माना जाता है? तो किस समय का माना जाता है? यह मंदिर जो है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने इतने अच्छे से सभी दे दिए हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता है, और इससे पहले ये सारी चीजें हम लोग कर भी चुके हैं। भारत की पहली मानव निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी है भारत की पहली मानव निर्मित झील? तो वह है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में है जो। ठीक है, भारत की पहली निर्मित झील कौन सी है, वो भी मानव निर्मित? तो कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील के निकट 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का अंश प्रवाहित किया, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। नक्की झील के नाम में किंवदंति के अनुसार नक्की शब्द से क्या अभिप्राय है? नाखून। किंवदंति के अनुसार झील का निर्माण देवताओं ने नाखून से खोदकर किया था। माउंट आबू स्थित नक्की झील का आकार कितना है? माउंट आबू स्थित नक्की झील का आकार कितना है? यह 80 फुट गहरी है और 1/4 मील चौड़ी है। ठीक है, 80 फुट गहरी है और 1/4 मील चौड़ी है। तो इस तरीके से आज हमने ये चैप्टर जो है यहाँ तक कंप्लीट किया है। इसके बाद आपका एक और वीडियो है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।